और अब सीधा रुख करेंगे राजधानी भोपाल का, जहां पर जलवायु परिवर्तन पर मंथन हो रहा है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। राजेश दवे जी, इस आयोजन में अभी अभी जिनने अपना विस्तार से विषय रखा, नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री श्री एरिक सोलहेम जी, श्रीमती मंजूबाला जोशी जी, डॉक्टर अनिल कोठारी, DGMP CST, इस अवसर पर मौजूद आप सब पर्यावरण प्रेमी मित्रों, भाइयों बहनों, प्यारे विद्यार्थी साथियों, पत्रकार बंधुओं, बदलते दौर में खास करके वर्तमान के इस समय में दुनिया एक अलग दौर से गुजर रही है और कमोबेश ये वो दौर भी है जब हम अपने भारतीय जीवन पद्धति, रहन सहन, हमारी मान्यताएं, हमारे रीति रिवाज, इन सबको इनके साथ तालमेल करें तो कई सारे उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों के उत्तर भी हमको दिखाई दे रहे हैं। और कई बार इससे जब दुनिया हमसे कहती कि आप जरा ये करो, तो हम उनकी तरफ भी देखते हैं और अपनी तरफ भी देखते हैं। इसके लिए किसी शायर ने कोई शेर अच्छा कहा है, धूल चेहरे पे लगी थी और ये आईना साफ करवा रहे। तो मूल रूप से हमारे अपने जीवन पद्धति में कदम कदम पर आदिकाल से हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी जीवन शैली इतनी अच्छे से विकसित की है कि हम सदैव परमात्मा से, प्रकृति से अपने आप को जोड़ के ही चलते हैं। इसलिए वेद वाक्य में कहा गया है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसा हमारा पिंड है वही ब्रह्मांड है, दोनों में कोई अंतर नहीं। और पर्यावरण की बात कर रहे हैं, बीच में मैं खड़ा हो गया, मुझे जाने के लिए थोड़ा ये पर्यावरण से इतर भी बात कर ले, लेकिन राजनीतिक पर्यावरण की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी सही कहते हैं कि एक देश तो एक चुनाव होना चाहिए, जब बीच बीच में होते तो कई व्यवस्था डिस्टर्ब होती है। मुझे झारखंड जाना है, इसलिए जल्दी खड़ा हो गया हूँ। मैंने कहा मेरे को ये कार्यक्रम में पूरे रहने की इच्छा थी, लेकिन माफी चाहते हुए कि झारखंड में नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराना है और एक जगह नहीं दो जगह जमा कराना है, तो पर्यावरण की चिंता करना और राजनीतिक पर्यावरण की चिंता मेरी मजबूरी है, इसलिए दोनों में समान रूप से मुझे ध्यान रखना है। हम सब एक ऐसे वैश्विक गंभीर विषय के लिए बैठे हैं जिनके महत्ता जग जाहिर है। जैसे मैंने कहा है कि यत पिंडे तत ब्रह्मांड, में क्या कहूँ, वेद वाक्य है। हम अपने शरीर के रोम रोम से इसी प्रकार से जोड़ते हैं, इसलिए हमारे जीवन शैली में भी अभी हमको गुलदस्ते दिए, स्वागत किया तो तुलसी का पौधा दे करके दिया, ये हमारा एहसास कराता है। और हमारे यहाँ तो भोजन में भी भगवान को भोग लगेगा, तो बिना भगवान गणेश जी से आगे बढ़ो तो माता जी के पास जाओ, माता जी के पास उनका शेर क्या है, उनका अपना सवारी क्या है, उनका तालमेल भी हमको दिखता है। कार्तिक सवारी क्या है, उनका तालमेल भी हमको दिखता है। कार्तिक के पास जाओ तो कार्तिका का वाहन मोर है। अब ये आप एक दूसरे के इनके साथ तालमेल कैसे बिठाते होंगे। महादेव के पास जाओ तो उनके लिए सर्प बैठे हैं। अब सर्प का दुश्मन मोर भी है, शेर भी है, मूसक भी है, ये पूरी अपने आप में इससे बड़ा पर्यावरण की संतुलन का कौन सा उदाहरण है। सब बैठे अपनी अपनी जगह और महादेव अपनी जगह सीधे गंगा स्नान कर रहे हैं, उनको भी उससे भी और आवश्यकता पड़ रही है। हमारे यहाँ ये अपन कल्पना करते जाओ इन सारी बातों का, सबका संतुलन बनाए रखना। और इसीलिए इस प्रकार से नहीं और आगे बढ़ के देखें तो हमारे यहाँ तो ये जो हमारा सौर ग्रह है, सौर परिवार है, अभी अपन सौर पे तो जाएंगे तो आप बताइए, हमने आके सबसे पहले दीप प्रज्वलन कराया, अब दीप प्रज्वलन क्यों कराना चाहिए। कोई भी आरती करोगे तो आरती के समय हमारा हाथ गोल क्यों घूमना चाहिए, ये आड़ा टेढ़ा क्यों नहीं जा सकता, ऊपर नीचे क्यों नहीं जा सकता। ये सब सूर्य आराधना का प्रतीक तो है ही है, हमारे लिए उससे जुड़ा हुआ क्या पक्ष। दिवाली तो रोज मनाते हैं, इसी प्रकार से जोड़ के मनाते कि हमारा जीवन तो बगैर सूर्य ऊर्जा के संभव नहीं। अब आप उसका परसेंटेज जोड़ते रहो, हम तो उस बात में भी आगे आ ही जाते हैं। अभी मैं परसेंटेज देख रहा था, ध्यान में आया कि
ये बात सही है कि हमारे देश में और प्रदेश में अब गीगावाट मेगावाट और इत्ता उत्ता ये आप कहोगे मान सकते हैं, लेकिन ये पर्यावरण से छेड़छाड़ भी की किसने और अभी हम बचाने के लिए भी कौन आ रहा है? सबसे बड़ी संभावना भी तो हमारे ही पास, हमारी जीवन शैली भी उसी प्रकार से, हमारा खान पान भी उसी प्रकार से, हमारे यहाँ जल की शुद्धता के लिए भी। त्रिनाथ परंपरा में, हमारे यहाँ वैष्णव परंपरा में तो केवल एक शुद्ध वस्त्र में वो भी गीला है तो भोग बनेगा, भोजन बनेगा, उसके अलावा उनको दूसरे को हाथ लगाने से भी तो हम कहाँ हमारी जीवन शैली में इसका अंतर करें। लेकिन फिर भी आज के इस दौर में, बदलते समय में, जो माननीय प्रधानमंत्री ने 500 गीगावाट का लक्ष्य लिया है कि 2030 तक हम अपने इस वर्तमान के दौर में अपनी ऊर्जा की दृष्टि में आगे बढ़ेंगे, तो हम भी अपने मध्यप्रदेश का लक्ष्य भी बड़ा लेके चल रहे हैं। और खास करके मध्यप्रदेश तो प्रकृति के वरदान के रूप में आया, परमात्मा की विशेष कृपा हमारे पे से, इसलिए हम प्रगति भी चाहते हैं लेकिन प्रकृति भी चाहते हैं, दोनों का तालमेल करा के लेके चलना चाहते, दोनों में कोई अंतर नहीं करते। ये परमात्मा की कृपा भी है और हमारी जीवन पद्धति भी है। और भोपाल और ये तो न्यागर में बात कर रहा तो और आनंद आता है। अभी थोड़े दिन की बात है, राता पानी ज्यादा दूर नहीं है, टाइगर अभयारण्य में है। यहाँ दिन में जिन सड़कों पे मनुष्य घूम रहे, रात में शेर भी घूमते हैं। तुम भी जियो, हम भी जीने दो, हम जियो और जीने दो का इससे बड़ा उदाहरण कहाँ रहेगा। हमारे अपने इसके इस प्रकार के वातावरण में जीने की जो जीवन शैली आई है, ये हमारे लिए कदम कदम पर उसी प्रकार से ले जाती है जिसके कारण से हम दुनिया में जाने जाते हैं। इसलिए प्रकृति प्रेमी, परमात्मा प्रेमी, मानवता प्रेमी और आज के इस बदलते युग में भारत अपनी जवाबदारी को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, अभी हम रोज टीवी खोलो समाचार देखता है कई रूस यूक्रेन का इतनी बार इतना रोज बम फूट रहे, धीरे धीरे समाचार वालों ने ही उसको एक तरफ कर दिया कि अब ये ऐसी हो गई जैसे सामान्य बात हो रही है। इसराइल वो अपनी दुनिया में चल ही रहा है, वो अपने लिए जीने का उदाहरण भी है सामने और सामर्थ्यशाली उदाहरण भी, तकनीक का उदाहरण भी है, तो देश की अस्मिता बचाने का उदाहरण भी। लेकिन इनके समान रूप से रूस यूक्रेन युद्ध में भी देखो, लेकिन सभी की ओर से आशा की किरण अगर कहीं दिखाई दे रही है तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी और भारत के साथ दिखाई दे रही, हमें इस बात का आनंद है। जो सभी के बीच में जो हमारा मूल भाव है, वो भाव हमको वापस उस स्थान पे ले जा रहा है। और इसीलिए तो हमारे लिए विवेकानंद ने कहा कि 21 शताब्दी भारत की होगी। ये सारे उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों के बीच सामर्थ्यशाली भी बनना है, पर्यावरण प्रेमी भी बनना है, हमारे विचार को आगे भी बढ़ाना है और हमारे माध्यम से इस वसुधा को भी बचाना। इसलिए तो हमारे कोई भी कथा भागवत का समापन भी होता है तो सदैव वो पर्यावरण की भावना से ही होता है। जब हम सब चार वाक्यों में अपनी बात पूरी कर देते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो, इससे बड़ी उदात्त भाव क्या हो सकती। तो आज के इस अवसर पर हमारे बीच नर्मदा समग्र के अध्यक्ष भी जुड़े हैं। जब हम नर्मदा नदी के बारे में सरकार ने निर्णय किया है कि नर्मदा जी और नर्मदा जी के तटों का संरक्षण, हम अंदर की नदी के अंदर की जो उत्खनन की चीजें हैं उसको रोकने का प्रयास भी करेंगे, जो इकोसिस्टम बनाया हुआ है, न केवल नर्मदा, ये तो नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। कौन सी नदी ऐसी है जो यहाँ हमारे यहाँ से जाकर के गंगा को भी बलिष्ठ बनाना, तो सोन के बिना गंगा भी पूरी नहीं होती है। और गंगा बेसिन के अंदर बात करो तो हमारी चंबल से लेके छिपरा तक सब आगे जाकर के यमुना के माध्यम से हम अपने जल अर्पण उनसे ही तो करके आगे बढ़ाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस दौर में हम सब जो यहाँ विचार मंथन करेंगे इसमें नवनीत मिलेगा और इसमें अमृत मिलेगा। मेरी अपनी ओर से जल्दी जाने की क्षमा चाहते हुए एक बार पूरे अच्छे कार्यक्रम की शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।